आपको मेरा नाम पता है, मुझे भी आपके बारे में सब कुछ पता है। अभी हम लोग एकत्रित हुए हैं एयरटेल के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जिसका इंटरव्यू कल हमारे यहाँ हमारे सेंटर पे होने वाला है। आई नो कि आपका जो बैच है अभी वो रनिंग है, आप में से बहुत सारे लोग अभी इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं, बट विथ स्पेशल परमिशन ऑफ ए ट्रेनर हम लोग कुछ बच्चों को सिलेक्ट करेंगे आप में से, जो लोग रेडी है मूव करने के लिए, जो आपके लिए 100% रेडी हो चुके हैं, हम उनको कल एयरटेल के इंटरव्यू में मौका देंगे अपने आप को आजमाने का। ओके, तो बात करते हैं कि किस पोस्ट पे वैकेंसी है, सबसे ज्यादा मैटर यही करता है, और आप में से कौन एलिजिबल है और नहीं है। तो कल जो है हमारे पास तीन पोस्ट पे वैकेंसी है एयरटेल में, दो एक तो है एयरटेल वाईफाई के लिए, ओके, जिसके लिए क्वालिफिकेशन है 12th पास और कुछ एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो भी चलेगा अगर उनकी कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी है। ओके, एयरटेल वाईफाई के लिए क्वालिफिकेशन 12 होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, उनके पास कस्टमर हैंडल करने का प्रॉपर एक तरीका होना चाहिए। ओके, एंड द सेकेंड वन इज CRO, कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर। ये जो पोस्ट है वो ज्यादा प्रेफर है लड़कियों के लिए, मैं करूंगी, क्योंकि इसमें क्या है इनडोर जॉब है, आपको कहीं नहीं जाना है, इन हाउस पे आना है, बस जो भी कस्टमर्स आए एयरटेल स्टोर पे एयरटेल ऑफिस पे उनको डील करना है आपको, और कुछ भी नहीं। एंड थर्ड वन इज एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक में आपको क्या काम होता है ना कि अभी आप जाओगे देखोगे आप छोटे छोटे शॉप्स वगैरह हर जगह जा रहे हो, आजकल ऑटो वाले भी क्या है QR अपना लगा के घूम रहे हैं, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, सबका QR है। तो एयरटेल ने भी अपना QR लॉन्च किया है, आपने देखा होगा बहुत जगह लगा भी होगा। तो एयरटेल पेमेंट बैंक में है ना QR से रिलेटेड वर्क है। ओके, आपको एस्टेब्लिशमेंट शॉप्स मतलब ये छोटे छोटे प्रतिष्ठान हो गए वहां भी जाके है ना QR की रिलेटेड बात करनी है। QR के लिए क्वालिफिकेशन 12 होना चाहिए। क्वालिफिकेशन जो है वो 12th होना चाहिए, एयरटेल वाईफाई के लिए भी 12th होना चाहिए, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं तो वेल एंड गुड। अंडरस्टूड, कम्युनिकेशन तीनों में मैटर करता है, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। एयरटेल CRO जो है इसके लिए बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास बात करने का एक तरीका होना चाहिए, आप किस तरह से बोल रहे हैं, आप फ्लुएंटली जो भी आपकी भाषा है जिस भाषा में आप कंफर्टेबल है वो भाषा आप अच्छे से सामने वाले कस्टमर के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सके। ओके, अब बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी काम को करने के लिए सैलरी क्या वो आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, सबको इसी के लिए काम करते हैं मेरे ख्याल से। तो तीनों पोस्ट की जो सैलरी है वो बराबर है, लगभग तीनों पोस्ट की सैलरी 17,000 है। 17,000 CTC का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी, आपके ऊपर कंपनी जितना खर्च करेगी महीने का वो पेमेंट है 17,000 रुपए, जिसमें आपका PF मेडिकल ये सब सब एडेड है। ओके, लेकिन आप घर कितना लेके जा सकते हो वो अमाउंट है 14,000 कुछ, मतलब कि कुछ हो गए 14,000 इन हैंड सैलरी है, 17,000 का CTC वो आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली। ओके, आई रिपीट, 17,000 का CTC है, 14,000 रुपीज इन हैंड कैश आपको मिलेगा और प्लस इंसेंटिव, लेकिन इंसेंटिव जो है वो सिर्फ दो पोस्ट पे है। पहला पोस्ट है एयरटेल वाईफाई में, जो आप लोग जाओगे उनके लिए इंसेंटिव है और दूसरा है एयरटेल पेमेंट बैंक में आप जाओगे तो उसमें इंसेंटिव है, लेकिन एयरटेल CRO जो है उसमें इंसेंटिव नहीं है, तो आप लोग उम्मीद भी नहीं करिएगा, लेकिन वो 100% दूसरी बात, अब समझते हैं कि लोकेशन क्या हो सकता है, क्योंकि हम लोग सब बैठे बिहार के बहुत सारे जगहों अलग अलग जगह से बिलोंग करने वाले लोग हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करोगे आपको जॉब उसी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। अगर बाई चांस उस डिस्ट्रिक्ट में स्पेस नहीं है, मान लीजिए कोई फीमेल कैंडिडेट है अगर वो रेडी है कल इंटरव्यू देने के लिए, तो उनका CRO में हो जाता है, और फॉर एग्जांपल वो बिलोंग करते हैं सिवान से, सिवान में भी जगह नहीं है, तो सेफेस्ट प्लेस होगा जैसे पटना, हम उनको अभी पटना में ज्वाइनिंग दिलवा देंगे, लेकिन जब भी एक महीने बाद जैसे ही स्पेस खाली होगा वो सिवान ट्रांसफर करवा सकते हैं, और सिवान ही नहीं आप पैन इंडिया में कहीं भी ट्रांसफर लेके जा सकते हैं अगर आप एयरटेल में आते हैं तो।
ये चीज ये फायदा होगा आपके लिए। ओके अब बात कर लेते हैं प्लेस हो गया। हाँ कौन सा फील्ड जॉब है, फील्ड जॉब है तो कितने घंटे आपको फील्ड में बिताने होंगे दिन के, इस बारे में। जैसे मान लीजिए रिटेल का काम करने का तरीका बहुत ही साफ सुथरा है, वो कोई मतलब कि आपको झिझक नहीं करना है अपने मैनेजर के साथ, अपने सेल्स मैनेजर के साथ, कोई ये सब नहीं। आपका काम और आपके काम का रिपोर्ट एक ही जगह से होता है। एटीएल क्या करती है ना, एटीएल क्यूआर कैप करके एक एप्लीकेशन है, इसी ऐप के थ्रू मतलब कि ये आपको बोलेगी डाउनलोड करने के लिए, आपका सिलेक्शन हो जाता है जैसे ही ट्रेनिंग के पहले, आपको बोलेगी ये एप्लीकेशन गूगल से जाके डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद एयरटेल वाईफाई और एयरटेल पेमेंट बैंक दोनों काम आपको बता रहे किस तरह से, आपके पोस्ट के हिसाब से उसमें सब कुछ सेटिंग हो जाएगा, आपकी जिस पोस्ट में सिलेक्शन होगी सब कुछ। सॉरी फिर क्या होगा ना, आप एयरटेल पेमेंट बैंक जैसे ही डाउनलोड करोगे, मान लो ये मेरा ऑफिस है, ओके मेरे को वाईफाई लगवाना है या मेरे को क्यूआर चाहिए अपने ऑफिस के लिए, मैंने डाला गूगल पे जाके इंक्वायरी, मेरा इन्फॉर्मेशन आपके इसी ऐप के थ्रू आपके पास चला जाएगा। ओके और आपका इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा कस्टमर का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगा, जो भी उस जगह के लोकेटेड जितने भी मतलब की होंगे एग्जीक्यूटिव और एयरटेल पेमेंट बैंक के भी एग्जीक्यूटिव, उनके पास मेरी जानकारी भी चली जाएगी। नंबर एक्सचेंज नहीं होता है, कंपनी एक अपना टोल फ्री नंबर प्रोवाइड करती है दोनों साइड, उस पर कॉल करिएगा तो मेरे पास कॉल लगेगा, हम आपको कॉल करेंगे तो आपके पास कॉल लगेगा। ओके फिर क्या होगा, मैंने मान लीजिए आप ही मेरे को कॉल कर रहे हो कि मैम आपने इंक्वायरी डाली थी, मैंने देखा मेरे पास इन्फॉर्मेशन आया है, आप मेरे को अपना प्लान बताओगे। एयरटेल का प्लान आप भी देखते होगे, आप अगर फोन भी रिचार्ज करवाते होगे तो 150 से लेके 2000-3000 तक भी चला जाता है, तो जस्ट लाइक दैट वाईफाई का भी एक उनका प्लान रहता है, आपको वही प्लान बताना है, टेन्योर बताना है, जैसे 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर किस तरह का है टेन्योर प्लान और कितना पैसा लगेगा और उसमें क्या क्या बेनिफिट है। अभी जैसे कि आप एयरटेल का अपना फोन कोई भी रिचार्ज करते होंगे तो जैसे एक मतलब रिचार्ज दे रहे 235 का भी एक रिचार्ज आता है, 1 GB उसमें आपको मिलता है, लेकिन वही रिचार्ज आप 265 का करते तो उसमें आपको क्या है विंक म्यूजिक फ्री में मिल जाता है, हेलो ट्यून्स फ्री में मिल जाता है, बहुत सारा आपको वो बेनिफिट दे देते हैं थोड़ा सा चार्ज ज्यादा करके। उसी हिसाब से उनको आपको चार्ज बताना है और क्या क्या बेनिफिट आप उनको देंगे अगर वो ये प्लान देते हैं तो। सॉरी तो आपको ये भी बताना होगा। उसके बाद क्या होगा, तो आप लोग सारा सब कुछ समझ गए क्या करना है एयरटेल में जाने के लिए। बाकी आपके जो ट्रेनर है वो आप मेरे को लिस्ट देंगे सिलेक्ट करके कि आप में से कौन रेडी है नहीं है। और अगर आप लोग भी अपना करियर ब्राइट करना चाहते हैं, एयरटेल जैसी कंपनी में वर्क करना चाहते हैं, तो आइए हमारे साथ जुड़िए, मनु आशा फाउंडेशन 0 माइल, और हमारा फोन नंबर है 9155481902।